आठ की हंडी है, एक ही बार चढ़ती है, जनता के बीच झूठ बोलने जाऊंगा, बंद दरवाजे में घोषणा पत्र तैयार कर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा भूपेश सरकार की असफलता और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। जरूर पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा निकलेगी, दंतेवाड़ा से शुरू करके रायपुर तक और उधर जसपुर से शुरू करके बिलासपुर और रायपुर तक यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में सरकार की असफलता, मोदी जी के 9 साल के विकास के कार्य और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की उपलब्धि के बारे में जनता के बीच हम चर्चा करेंगे, बातचीत। वही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरते हुए गंगा जल और गीता हाथ में लेकर झूठी कसम खाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कांग्रेस बंद दरवाजे के पीछे घोषणा पत्र तैयार कर रही है क्योंकि वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इसके अलावा रमन सिंह ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के जन घोषणा पत्र समिति में शामिल नहीं होने को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। पिछले बार घर घर गए थे कांग्रेस के लोग और जन घोषणा पत्र बनाया था, गंगा जल और गीता हाथ में लेके सौगंध खाया था, मगर जिन बिंदुओं पे 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र तैयार किया था, वो वादे अधूरे हैं, कांग्रेस के धोखा है, झूठे वादे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की हिम्मत नहीं है। पीएससी देव ने तो जन घोषणा पत्र समिति में रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा जब वादा पूरा नहीं हुआ तो मुझे इस समिति में क्यों रखोगे, क्यों मैं जनता के बीच झूठ बोलने जाऊंगा, इसलिए इस बार कांग्रेस बंद दरवाजे में घोषणा पत्र तैयार कर। इस दौरान पूर्व सीएम ने काट की हांडी का मुहावरा देते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी इस बार भूपेश जी की सारी गलतफहमी, पिछले बार के काट की हंडी है, एक ही बार चढ़ती है, दोबारा जनता उसके बाद की भरोसा नहीं करेगी, झूठे वादे भी नहीं आएगी। और इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जनता सरकार बना के देगी, ये मैं पूरा विश्वास। बता दें रमन सिंह द्वारा दिए गए इन बयानों के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस पर कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।